दिल्ली के कुतुब मीनार के पास हम मौजूद हैं। ये दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे लंबा जो है ये मीनार है। ये जो है दिल्ली के महरौली में ये पड़ता है, और ये आने के लिए जो है आपको दिल्ली से मेट्रो के माध्यम से भी आ सकते हैं, बस के, ऑटो के माध्यम से भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। जो मीनार है, अगर इसकी टोटली अगर इसका लंबाई की अगर हम बात करें तो 72.5 लगभग जो है 73 मीटर जो है ये लंबाई है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लंबा मीनार में से एक है। जैसा कि हम आपको नाम ही बताए, ये कुतुब मीनार है। इसके बनाने वाले जो है कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। 1200 ईस्वी में जो है ये बनाया गया था, लेकिन इसकी जो हाइट है इसमें जो है काफ़ी हाइट होने के कारण 1369 में जो है बिजली की करकराहट से जो है ऊपर का जो इसका मीनार था वो टूट गया था, जिसके वजह से जो है इसमें जो है फिर से मरम्मत किया गया। हालांकि आपको हम बता दें कि सन 1200 ईस्वी में ये तो बनाया गया था, लेकिन इसमें जो है इसकी जो ऊपर की जो आप देख पा रहे होंगे जो ऊपर का जो हिस्सा है वो 3 मंजिला जो है 1220 में जो है उनके पोते जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो पोते थे उनके द्वारा बनाया गया था, और ये काफ़ी ऊंचा जो है इमारत है। अगर ये चारों साइड की इसका जो हम आपको लंबाई बताए ये 72.5 मीटर जो है ये लंबा है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है मीनार है। और इसके चारों साइड में अगर मोटापा की बात कर ले, अगर इसकी जो बनावट है इसकी जो मोटापा है, अगर मोटापा की हम बात करेंगे तो लगभग जो है 14.32 जो है इसका व्यास इसकी मोटाई है। अगर इसके चारों साइड में अगर आप जाएंगे, अगर ये पूरा परिसर जो है ये परिसर में अगर आप घूमेंगे तो इसमें जो है काफ़ी सीढ़ियाँ बनी हुई है, जो ये सीढ़ियाँ जो है लगभग है 379 जो है सीढ़ी है, और सारे सीढ़ी जो है वो कहीं ना कहीं गोला आकार है, ये जो है गोला में ये है। ये हालांकि गवर्नमेंट द्वारा सरकार द्वारा ऊपर में चढ़ने का ये प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि लगभग जो है 1981 में जो है ये ऊपर का जो हिस्सा है वो काफ़ी जर्जर, काफ़ी दिन होने के बाद जर्जर हो चुका था, और वो जो कुछ हिस्से जो हैं बच्चे लोगों के ऊपर गिर गए थे। जानकारी मिला जो कुछ बच्चे लोगों को शायद डेथ भी हो चुकी थी, जिसके वजह से जो है सरकार जो है इतनी बड़ी जो इमारत है उस पर चढ़ने के लिए जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था कि चारों साइड। इसके अलावा मीनार के चारों साइड में देखेंगे दीवारें जो बनी हुई है ये उर्दू लफ्ज़ में जो है कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, उर्दू लफ्ज़ का है। इसके अलावा चारों बगल अगर अगल बगल भी आप देखेंगे तो आपको जो है पत्थर का सिर्फ आपको दीवारें दिखेगी, पाया आपको दिखेगा, और ये पत्थर जो है कहने की काफ़ी इसमें बारीकी से इसका जो संरचना किया गया है बनावट है, देख सकते हैं ये काफ़ी वर्ष पुराना। अगर हम बात करें तो सन जो है 1200 ईस्वी में जो है इसका निर्माण कराया गया था, और इसमें जो है ऊपर का हिस्सा आप देख पा रहे होंगे ऊपर का हिस्सा जो है टूट गया था, जो 1220 ईस्वी में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक उनके पोते जो थे उनके द्वारा जो है 1220 ईस्वी में 3 मंजिला इमारत जो है निर्माण हुआ था। जैसा कि हम आपको बताएं कि दिल्ली का जो है महरौली में पड़ता है, और ये मीनार का अगर बनावट की बात करें तो ये पूरा के पूरा ईंट से बना हुआ है, और ये लाल ईंट लाल पत्थर कह सकते हैं, लाल पत्थर और जो है मार्बल से बना हुआ ये कंप्लीट जो है कुतुब मीनार आप देख रहे हैं, और ये दुनिया का सबसे लंबा मीनार में से एक है। और यहाँ पर जो है लाखों करोड़ों लोग जो है घूमने आते हैं, और ये चारों साइड में जो है इसका गार्डन है, बगीचा है, लोग यहाँ पर बैठने के लिए जगह है। और सामने में आप देख पा रहे होंगे जो ये मकबरा है, जो कब्र आप इसको कह सकते हैं ये कब्र है। इसके अलावा भी हम लोग अंदर में जाएंगे और अंदर में वो तस्वीर भी हम दिखाएंगे, बगल में आप देख पा रहे होंगे गुंबज का भी निशानदेही है, और वहाँ पर जो है गुंबज भी है। ये 379 अगर ये कुतुब मीनार के पूरे कैंपस की अगर बात करें, अगर आप इसमें घूमेंगे तो 379 टोटल जो है सीढ़ियाँ मिलेगी, और ये सीढ़ी जो है कहीं ना कहीं गोलाई में बना हुआ है, और इसका जो निर्माण करने वाले हैं कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, जो सन 1200 ईस्वी में जो है इसका निर्माण
कराया गया था और 1220 ईस्वी में जो है इनके जो पोते थे, इनका जो ऊपर का जो तीन मंजिला जो भाग था वो बनवाए थे। हालांकि इसके अलावा ये जो भाग है, ये जो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, ये भी कंप्लीट रूप से पत्थर का बना हुआ है जो आप अपनी नज़रों से देख पा रहे होंगे। और ये पत्थर पर एक करके ये जो है दीवार खड़ा किया गया है और ये कंप्लीट रूप से पूरा के पूरा अगर ये देखा जाए तो ये कैंपस जो है पूरा के पूरा ये पत्थर से ही बनाया गया है।